बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम जी, यानो खुश आमदीद दोस्तों। मैं हूँ आपका अपना भाई इजाज़ हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चांडे विलाग। आज हमेशा की तरह एक नई मौजू लेके आप तमाम दोस्तों भाइयों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जो बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग है। कुछ नए शौकीन हजरात जो मेरे दोस्त हैं, अब ऐसा समझ लें कि यूट्यूब पे बता रहे हैं कि ये काले तितर की ये वाली आवाज़ सुनाओ, काले तितर को सामने तितर रखो तो इंशाल्लाह आपका तितर जो मस्ती पूरा स्टार्ट कर देगा। तो भाई किस तितर को तितर के सामने रखना, आवाज़ सुनानी है, तो आज का टॉपिक बिल्कुल यही होने वाला है। तो आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जो भी नई और मालूमती वीडियो है आप तमाम दोस्तों भाइयों तक पहुँचती रहे। दोस्तों सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आजकल वैसे ही तितरों का मौसम आया हुआ है, आप आवाज़ सुनवा सकते हैं जो आपके पहली बुलाई के पट्टे हैं या फिर अभी यानी कि पट्टे तैयार हुए हैं, इस साल बुलाई करेंगे, तो आपने कोशिश करनी है उनको किसी बड़े तितर के सामने नहीं रखना, क्योंकि बहुत सारे दोस्त अहबाब ये गलती करते हैं जिसका नतीजा ये निकलता है कि उनका तितर दब जाता है, कट जाता है, पूरा सीजन मस्ती बुलाई नहीं करता, क्योंकि बड़ा तितर जो होता है वो इतनी मस्ती बुलाई कर रहा होता है कि वो उससे डर खौफ की वजह से ना पूरा सीज़न उसका जो है ना ख़राब हो जाता है। तो आपने ये वाली गलती बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपका तितर पुराना है, दो तीन साल का है, फिर भी आप तितर रखें, लेकिन आजकल ये इन दिनों में थोड़ा एहतियात करके रखें। हाँ, सिर्फ अब वो भी हल्की फुल्की, ऐसा नहीं है कि आपका तितर ने अभी बिल्कुल मस्ती बुलाई स्टार्ट नहीं की, आप एक मस्ती बुलाई वाले तितर के बिल्कुल सामने जाके रख रहे हैं तो तितर आपका दब जाएगा, कट जाएगा, फिर ना कहना कि किसी ने नहीं बताया था। तो भाई जान थोड़ा सा एहतियात करें, थोड़ा सब्र कर लें, इनसे जैसे आपका तितर मस्ती में आता जाएगा, बुलाई भी करेगा और आहिस्ता आहिस्ता आपने उसको रूटीन पे लेके आना है। आपने क्या किया है कि पूरा सीज़न तितर को बंद करके रखा है, उसको बहर का माहौल नहीं दिया, आहिस्ता आहिस्ता तितर बहर का माहौल देखेगा। सर्दी में तितर जो है ना, तितर को हम दिन रात बंद रखते हैं जिसकी वजह से ना तितर थोड़ा सा दब जाता है, खौफ कर जाता है, क्योंकि सर्दी की वजह से हम उसको बहर का माहौल नहीं दिखाते। अब आपने कुछ दिन हुए होंगे, कुछ दोस्तों ने उससे बहर टोरे पे ले गए होंगे, आहिस्ता आहिस्ता एकदम उस पर बोझ ना डालो, आपका परिंदा इंशाल्लाह आपको रिजल्ट ज़रूर देगा, दो दिन बाद लेकिन देगा ज़रूर। लेकिन आप कहें कि भाई उसका बोल रहा है तो मेरा भी बुराई स्टार्ट कर दे, लेकिन नुकसान ये होना है कि आपके पूरे साल की मेहनत ज़ाय हो जाएगी भाई। तो खुदा रहा इन चीज़ों से बचें। और जो मेरे दोस्त अहबाब हैं वो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं कि ये वाली भी आवाज़ सुनाओ तितर का तितर बुलाई स्टार्ट कर देगा, तो भाई जान आप भी थोड़ा सा परहेज करें, किसी के शौक के साथ मजाक ना करें, आप सिर्फ चंद व्यूज़ की खातिर किसी को सही तरीके से गाइड यानी कि करने के बजाय गलत तरीके से गाइड ना करें, ठीक है। इस तरह की ना मालूमती वीडियो लेके आप तमाम दोस्तों भाइयों की खिदमत में हाजिर होता रहता हूँ, तो आपका हक बनता है कि यार आप हमारी सपोर्ट कर दिया करें। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़ आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर दें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए नई से नई वीडियो बना के आप खिदमत पेश करते रहें। तो दोस्तों मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखना, वसलाम।